तो ट्रंप की हत्या कौन करवाना चाहता है? वैसे आपको बता दें, ये हत्या की कोशिश अमेरिका में हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स यहां भारत में छिड़ गई है। Trump is a threat to this nation. Of course I want to punch him in the face. Right. I have thought an awful lot about blowing up the White House. आपको याद होगा कि हिटलर की मौत मरेगी, कब्र खुदेगी मोदी की, कब्र में डाल देंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, इस प्रकार की भाषा भी इस्तेमाल की गई। ये सारी चीजें कांग्रेस के नेताओं ने की। ऐसा वातावरण बना देता है जिससे कि जो राष्ट्रवादी नेता है उन पर हमले को अंजाम दिया जाए। यही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है। कांग्रेस से और कांग्रेस के इकोसिस्टम से इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। We have people in this country who are dedicated to telling half the country that if Donald Trump wins an election, the country will end, the Constitution will go away, and so on and so forth. देखिए, सबसे पहले ना हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो ये जानलेवा हमला हुआ है ना, जो उनकी जान लेने की कोशिश हुई, ये वो तस्वीरें, ये ना भारत के लोकतंत्र के लिए कैसे खतरे की घंटी है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए अटैक को भारतीय लोकतंत्र पर बड़े खतरे के तौर पर क्यों देखा जाना जरूरी है? अमेरिकी टाइम के हिसाब से शनिवार शाम 6 बजे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। 8 राउंड फायर हुआ, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, जिसके बाद रियलाइजेशन हुआ, फिर तमाम जो है काउंटर अटैक किया गया। ये देखिए आप, बिल्कुल कान से छूती हुई गोली निकली, उनकी हत्या की कोशिश थी, जान से मारने की कोशिश रैली के दौरान। कुछ एक रैली को 1500 लोग थे, हमारे यहां तो लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग। वहां पर लोग कह रहे हैं कि इतना उकसा दिया था वहां के ऑपोजिशन ने, ऐसा ट्रंप की पार्टी के लोगों का कहना है कि ट्रंप के खिलाफ इतना उकसा दिया, इतना भड़का दिया, इतनी नफरत फैला दी, जिसकी वजह से यह सब हुआ। ये कोशिश कितनी कामयाब थी ये बात वीडियो से आप समझ सकते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गोली 1 इंच दूर से निकली, मतलब हल्की सी अगर गर्दन की मूवमेंट इधर से उधर होती तो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप जिंदा नहीं होते। 8 राउंड फायर हुआ, 8 राउंड ट्रंप के कान को छू कर गोली निकल गई और ट्रंप बाल बाल बच गए। ट्रंप पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये वो है जिसने गोली मारी। चलिए आप बताएंगे, हमला करने वाले का नाम है मैथ्यू क्रुक्स नाम के इस आदमी ने एक, मतलब वो एक छत पर जाकर बैठ गया और इसने वहां से फायर किया। तुरंत इसको मौके पर ही मार गिराया गया, ये मर चुका है, इसको मार दिया गया। मतलब आप सोचिए, अगर ये 1 इंच की चूक नहीं हुई होती तो हत्यारा कामयाब हो जाता। आप सोचिए, अमेरिका भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, कुछ लोग तो वहां के लोकतंत्र का हाल देखिए क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं राजनीतिक इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, हमें नहीं पता। मतलब ट्रंप अटैक के पीछे कोई सियासी राजनीतिक गोलीबाजी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन कई तरह की चीजें कही जा रही है। लेकिन कुछ लोग अमेरिका, कुछ लोग ये नसीहत देते डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका है और भारत को अमेरिका से सीखने की जरूरत है, अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात हमारे लिए भी है। बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, FBI, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, अमेरिकी पुलिस के रहते ट्रंप पर इतना बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे हो गया, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि लोगों ने पहले देख लिया था, एजेंसी से पहले देख लिया कि एक आदमी ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, ये लोगों के बयान है वहां पर। लेकिन अब सुनिए, इस घंटे को 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे, लेकिन FBI या दूसरी जांच एजेंसी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमला क्यों किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमलावर मारा जा चुका है, इसलिए मोटिव का पता लगाना अब जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल होगा। किस वजह से, क्यों, ये अकेला था, इसके पीछे लोग थे, क्या था, नहीं, इसको किसने भेजा था,
देखिए ट्रंप की हत्या कौन कराना चाहता था, किसके कहने पर उसने ट्रंप की हत्या की कोशिश की, सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन ट्रंप की पार्टी जानते क्या मानती है, अब सुनिएगा। ट्रंप की पार्टी मानती है कि इस हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके सहयोगियों के भड़काऊ और नफरती बयान जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई कि उनकी जान पर बनाई, इतनी नफरत फैलाई। ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस ने कहा है, सुनिए, जो बाइडन ने चुनावी अभियान में लगातार कहा है कि ट्रंप एक फासीवादी है, तानाशाह है, एक फासीवादी जिसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया, ट्रंप के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया गया कि ट्रंप से लोकतंत्र को खतरा है, ट्रंप से संविधान को खतरा है, ट्रंप फासीवादी, ट्रंप जो है हिटलर की तरह है, ट्रंप जो है डिक्टेटर है। ये सब कुछ आप रिकॉल कर पा रहे, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट भारत में भी कभी कभी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रंप के खिलाफ ऐसी बयानबाजियों की वजह से उनकी हत्या की कोशिश हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप की पार्टी के लोग कह रहे हैं। अगर ट्रंप की पार्टी के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है ना, रत्ती भर भी, तो अमेरिका में जो हुआ वो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ट्रंप पर हुए अटैक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जोड़ रही है। बीजेपी ने क्या कहा है कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नकारात्मक, झूठा, फेक न्यूज वाला प्रोपेगेंडा, नफरती अभियान चलाया गया, उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया, वैसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद से हो रहा है, और ऐसा नहीं है मोदी पर अटैक नहीं हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितने जानलेवा हमले हो चुके, उनकी जान लेने की कितनी कोशिशें हुई हैं, और इन चुनावों में ये सारे बयान भी जो है, ये सारे बयान निकाल के दिखाए वहां के चैनल्स पर चल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइडन की पार्टी के नेताओं ने, लेफ्ट थिंकर्स ने, उस इकोसिस्टम ने ट्रंप के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया कि ट्रंप पर यह अटैक हो गया। यहां पर भी कुछ ऐसा होता है, मतलब इन चुनावों में भी वो देखने को मिला, विपक्ष ट्रंप की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फासीवादी, तानाशाह, लोकतंत्र विरोधी बताता है। विपक्ष कहता है ना कि मोदी का शासन अघोषित आपातकाल की तरह है, मोदी को युवा विरोधी, किसान विरोधी, फासीवादी, हिटलर, डिक्टेटर, मतलब सब कुछ कहा जाता है। अब बीजेपी क्या आरोप लगा रही है कि जिस तरह अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भड़काऊ और हिंसात्मक अभियान चलाया गया, ट्रंप को संविधान विरोधी बताया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रंप पर हमला हो सकता है, यह भी वजह हो सकती है, वही स्क्रिप्ट पीएम मोदी के खिलाफ भारत में भी लिखी गई, मोदी के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया ताकि उन पर भी ट्रंप जैसा लोन वोल्फ अटैक हो, ये बीजेपी कह रही है। ऐसा करते हैं आपको ना, हम पहले आपको दिखाते हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वो नकारात्मक, भड़काऊ चुनावी माहौल क्या था, और बीजेपी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से क्यों जोड़ रही है उसको, पहले वो सुनिए। आपको बता दें ये तमाम जो बयान है, ये वो तमाम वो बयान जो अमेरिकी चुनावों के दौरान बाइडन की पार्टी के नेताओं की तरफ से, लेफ्ट इकोसिस्टम की तरफ से ट्रंप के खिलाफ बोले गए, जिसको आप ट्रंप के नेता बता रहे हैं कि दरअसल जान पर आफत, पीछे नफरत, जो नफरत का माहौल मेरे खिलाफ तैयार किया गया। सुनाइए एक बार। Is a threat to this nation. Trump is even more dangerous now. No, I'm serious. He's unhinged. He snapped. He says if he loses, there will be a bloodbath. Trump said if he wins, he'll be a dictator on day one. Dare he say the things he does? Of course I want to punch him in the face. Right. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House. Oh, well, don't worry. This will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. And that's a fact. Trump is a threat to this nation. But Trump is even more dangerous now. No, I'm serious. He's unhinged. He snapped. He says if he loses, there will be a bloodbath. Trump said if he wins, he'll be a dictator on day one. Dare he say the things he does? Of course I want to punch him in the face. Right. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House. Oh, well, don't worry. This will all work itself out. They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. And that's a fact. ट्रंप को मुक्का मार देना चाहिए, ट्रंप खतरा है, ट्रंप चुनावों में देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है।
आप सोचिए, सबसे पुराना लोकतंत्र है भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। पुराने लोकतंत्र में वहाँ के जो लोग हैं, जिसको लेफ्ट इकोसिस्टम वगैरह वो सब बताया जाता है, बाइडेन के समर्थक, वो कह रहे ट्रंप को गोली मार देनी चाहिए, ट्रंप के मुंह पर मुक्का मार देना चाहिए। और यहाँ पर भी यही सब तो हुआ था वो, यार हाय हाय मोदी मर जा तू से लेकर, याद है सब आपको, सब कुछ याद होगा, इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है, हाय हाय मोदी मर जा तू, पंजाब, अभी वाराणसी में सबने देखा। लेकिन अमेरिकी चुनाव में जिस तरह का नकारात्मक और भड़काऊ टिप्पणियां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुई, अब ट्रंप की पार्टी का कहना है कि उसी की वजह से ये सब ये अटैक हो सकता है मेरे पर हुआ हो। लेकिन वैसी टिप्पणियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 24 साल से हो रही है। कांग्रेस ने मोदी को हिटलर, तानाशाह, मुसोलिनी, किम जोंग उन, मौत का सौदागर, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, ये तो कम है, मैं तो ये तो इतनी लिस्ट लंबी थी, 100 के सैकड़ा पार है। तानाशाह, हिटलर, मुसोलिनी, किम जोंग, भारत का मतलब मौत का सौदागर, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, और पता नहीं क्या क्या बताया गया। कांग्रेस के नेता खुलकर कह चुके हैं कि वो मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, याद है, वो गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि वो मोदी को गाली भी दे सकते हैं और मार भी सकते हैं। कांग्रेस नेता खुलेआम मोदी की मौत की मन्नत मांग चुके हैं। वो सारे बयान हैं, मैं सुनाऊंगा अभी आपको, ऐसा नहीं है, ये सारे बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। 2024 के चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो मोदी का सर फोड़ सके। जी बिल्कुल ठीक, मोदी का सिर फोड़ सके। अब छोड़िए सारे नेताओं को, राहुल गांधी जी तो बहुत सीनियर हैं, अब LOP हैं, उस वक्त नहीं थे LOP। क्या कहा था उन्होंने याद है, कि जनता मोदी को डंडे से मारेगी, जनता मोदी को डंडे से मारेगी। अब ये उकसाना भड़काना होता है क्या, ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी पर। अच्छा वो याद करिए, वो तो अभी हाल फिलहाल में हुआ था ना, चप्पल फेंकने वाली घटना, जब अटैक एक तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले पर एक शख्स ने चप्पल, उस पर भी क्या राहुल गांधी ने क्या दिया था, कि अब डर खत्म हो रहा है, डर कम हो रहा है लोगों का। सवाल इसलिए कि क्या ऐसे बयान उन लोगों को भड़काने के लिए काफी नहीं है जिनका हाथ बंदूक ढूंढ रहे हैं, या लक्ष्य प्रधानमंत्री को वो लोग बनाना चाहते हैं, सवाल है। और खासकर ट्रंप अटैक के बाद ये सवाल अब और बड़े हो गए। आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। नरेंद्र मोदी केला वही हाल होगा, फिर वो क्या बोलेंगे, जैसे की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो। मोदी मतलब मोदी हिटलर की मौत मरेगा, सुबोधकांत सहाय, हुसैन साहब का बयान आपने सुना, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि जनता डंडे से मारेगी। अब याद करिए, ट्रंप हमले से भारत को सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि नफरत की वजह से ना भारत पहले ही अपने दो दो प्रधानमंत्री खो चुका है दुखद तरीके से, फिर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए लगातार नफरत फैलाई जा रही है, मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी लगातार जारी है। अब सोचिए स्थिति तब है जब 2004 में, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी को मारने की आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की कोशिश असफल हो चुकी है, तब मोदी को मारने के लिए भेजी गई लश्कर आतंकवादी इशरत जहां का गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। 2004 से है निशाने पर मोदी, लेकिन मोदी के विरोध में कई राजनीतिक दल लश्कर आतंकवादी के पक्ष में भी खड़े हो गए थे। बिहार की बेटी ने जाने क्या क्या बता दिया था उसको, इशरत जहां को, और आज तक खड़े हैं, आज भी पूछिएगा कभी इशरत जहां को लेकर विपक्ष बोलता नहीं बोलता है। इसके बाद 2013 में सबसे इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तब क्या कहा था कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने आतंकी हमलों पर ही संदेह जताते हुए इसे संयोग बताया था, संयोग। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को कांग्रेस के शासनकाल में, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है साहब, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं जिंदा लौट आया, पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बेहद गंभीर चूक हुई। उस दिन प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से पंजाब के फिरोजपुर के एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी वक्त याद है फ्लाईओवर के ऊपर, ये देखिए वो तस्वीर, प्रधानमंत्री फ्लाईओवर के ऊपर फंस गए थे, कुछ प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, पीएम मोदी के काफिले को घेर लिया था, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। उस वक्त करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री खुली सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसे रहे,
कार्यक्रम में हिस्सा लिए बिना ही प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा था पंजाब। तब प्रधानमंत्री ने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से क्या कहा था कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट आया। तब इसका भी मजाक उड़ाया गया था। इसके अलावा भीमा कोरेगा केस में खुलासा हो चुका कि अरबन नक्सलियों ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची थी। ये तो कुछ घटनाएं हैं साहब। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलियों से लेकर आतंकवादी और खालिस्तानियों से लेकर बारूदी बुद्धिजीवियों के निशाने पर है। आज ही एक कनाडा का वीडियो चल रहा था, अभी वो तस्वीर हम दिखा नहीं रहे हैं, बट वो कनाडा का आज ही एक वीडियो चल रहा था जिसमें चल रहा था कि मोदी इंदिरा ठोक दी या मोदी को मारेंगे, मोदी को ये मोदी को वो चल रहा था। वो कनाडा में अभी भी चल रहा है और हमारे यहाँ क्या नफरत फैलाई जा रही है वो सब मैंने आपको बताया। इसलिए बीजेपी को ट्रंप पर हुए हमले को मोदी की सुरक्षा से जोड़ने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने क्या कहा है कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांधी परिवार के खिलाफ लगातार नफरत भड़काती रही है और रहस्यमय तरीके से एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। सुनिए, हिटलर की मौत मरेगी, कब्र खुदेगी मोदी की, कब्र में डाल देंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, इस प्रकार की भाषा भी इस्तेमाल की गई है। ये सारी चीजें कांग्रेस के नेताओं ने की है। इसका मतलब साफ है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्क्रिप्ट है वो भारत में भी अपनाई जा रही है। एक नेता, एक पार्टी, उसके समर्थक जनता के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बनाओ कि हिंसा टूट पड़े उनके खिलाफ, यही तो वो स्क्रिप्ट है। जगह अलग अलग है, स्क्रिप्ट वही है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर आतंकी हमला किया गया इशरत जहां के द्वारा, उसको कांग्रेस ने बचाने का प्रयास किया, इशरत जहां आतंकी नहीं है ये कहने का प्रयास किया। 2013 में जब पटना में ब्लास्ट हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रत्याशी के रूप में चुनावी कैंपेन में थे, तब उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार थी उसका जश्न मना रही थी, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकियों की पैरवी कर रही थी। उसके बाद भीमा कोरेगांव में जिस प्रकार से एक प्लॉट आया सामने कि कैसे प्रधानमंत्री को मार देना है, तो ऐसे अपराधियों को भी बचाने का कुकृत्य कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम ने किया। जब ये लोग बोल रहे हैं कि पंजाब के बारे में, मैं आज पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी की एसपीजी का जो सिक्योरिटी था किसने निकाला है, क्यों निकाला है? इस गांधी परिवार ने बलिदान किया इस देश के लिए। हमको पता है राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, सब बलिदान किया है। तो कैसे बोल सकते हो ये जब हम कांग्रेस पार्टी के नेता लोग ने बलिदान किया है? जो विभाजन की राजनीति, जो नफरत की राजनीति, कौन बोलते हैं? आगे बढ़ेंगे आज के एक और बड़ी